संयुक्त इंटर कॉलेज प्रबंधन समिति के चुनाव पर सवालिया निशान लग गया है। 18 सितंबर के दिन चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें एक पक्ष के पदाधिकारी विजयी हुए थे, लेकिन दूसरे पक्ष ने चुनाव पर सवालिया निशान लगाए हैं। पूरी चुनाव प्रक्रिया को विवादों ने खड़ा कर दिया है और निष्पक्षता से चुनाव दोबारा कराने की मांग की है। किस तरीके से मांग की है, आइए आपको दिखाते हैं इस खबर की जल्दी। 18 सितंबर के दिन आगरा रोड स्थित चित्रगुप्त इंटर कॉलेज प्रबंधन समिति का चुनाव हुआ था, जिसमें सभी पदों पर नए पदाधिकारियों को आसीन किया गया था, लेकिन चुनाव विवादों के घेरे में खड़ा हो गया। यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीरें उन लोगों की हैं जिन्होंने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाए हैं। ये सभी लोग चुनाव को निरस्त कराते हुए दोबारा निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग करने के लिए यहाँ आए हैं। इन लोगों ने मांग की है कि चुनाव प्रक्रिया का वीडियो फुटेज इन लोगों को दिया जाए या फिर चुनाव फिर से कराया जाए। इन लोगों ने बताया है कि एक घंटे तक के लिए कमरा बंद कर दिया गया था, जिसकी किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी गई और बाद में वीडियो फुटेज को भी डिलीट करना बता दिया गया। इन्होंने प्रबंधन समिति के चुनाव पर सवालिया निशान लगाए हैं। इनका आरोप है कि चुनाव दोबारा से कराया जाए और निष्पक्ष तरीके से कराया जाए। ये जो चुनाव हुआ है, यह चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है, या फिर पूरे चुनाव के CCTV फुटेज इन्हें उपलब्ध कराए जाएं। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर शिकायत दर्ज कराने पहुंचे इन लोगों ने क्या कुछ बताया है, वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक ने क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। मंदी जी, क्या मामला है आप लोग यहाँ एकत्रित? हमारा श्री चित्रगुप्त इंटर कॉलेज प्रबंधक समिति का चुनाव 18/9/22 में मदार दरवाजे महाविद्यालय के प्रांगण में हुआ था। उसमें हमारी ये मांग थी कि जो भी चुनाव की प्रक्रिया हो वो पूरी CCTV कैमरे फुटेज के माध्यम से हो, तो कोई भी चीज़ संदिग्ध ना हो। रात दिन में 1 बजे उसमें सारे गेट बंद कर दिए गए और पता नहीं उस बीच में क्या हुआ। इस मामले को लेकर हम DI ऑफिस में आके मिले और हमने उनसे CCTV फुटेज कैमरे की मांग की, तो हमें कुछ घंटों का आश्वासन कि अभी मिल रहा है। लास्ट में शाम समय हमसे ये कह दिया गया कि ये CCTV फुटेज सारी डिलीट हो चुकी है और आपके हमारे पास कोई डेटा नहीं है, आपको जो करना है आप कर लीजिए। तो इस तरीके से सारी चुनाव प्रक्रिया संदिग्ध हो गई। तो हमारी ये मांग है कि या तो हमें फुटेज उपलब्ध कराई जाए या इस चुनाव को दोबारा से। कल आप मिले भी थे अधिकारियों से? तो कोई उनसे ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने कहा है कि हम चुनाव दोबारा कराएंगे, उस पर हम विचार करेंगे, ये उनका विवेक जी का आश्वासन है। अब देखते हैं कि अगर उन पर कोई दबाव, अगर DM SDM का अगर देखते हैं उन पर कोई दबाव नहीं आता है तो ये सारी चीज़ निष्पक्ष होगी। हो सकता है कि किसी दबाव में आकर हम लोगों को इग्नोर कर दिया जाए। आप लोग क्या मांगे, क्या चाहते हैं? हम लोग दोबारा चुनाव चाहते हैं या फुटेज दे दी जाए। यहाँ किसी अधिकारी से मिले अभी? अभी DIO सरकारी मनोज वर्मा जी से मिले हैं। क्या कहा, क्या आश्वासन? उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने तो सिर्फ क्या बोला है कि हम यहाँ पे बार बार आके अधिकारियों से बात करेंगे अपने जो हमारे पुनरीक्षक हैं उनसे बात करके फिर हम आपको बताएंगे।